सतकार नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं भूपिंदर सिंह, आज मैं आपके सामने यूट्यूब पर तबला ट्यूटोरियल्स के लेसन लेकर के हाजिर हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल्स बहुत ही पसंद आएंगे और मैं कुछ सिखाने की आपको कोशिश करूँगा। तो आज हम लेकर आए हैं तबले का फर्स्ट लेसन, जिसमें कि मैं आपको तबले के पार्ट्स के बारे में बताऊँगा और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लेसन आगे मैं अपलोड करूँगा। जैसे अभी हम पार्ट्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद तबले के बोल्स होंगे, तबले के बोल्स के बाद और भी लेसन्स मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, अपलोड करूँगा यूट्यूब पर। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इन लेसन्स को, मेरे ये वीडियो को ज़रूर लाइक पसंद करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तबला दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक राइट एंड एक लेफ्ट। राइट तबला है जो उसे हम कहते हैं चट्टू, और लेफ्ट जो तबला है उसे हम डग्गा कहते हैं, डुग्गी भी कहते हैं कई 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 लोग। तो इसे दायां और बायां भी कहते हैं, राइट को हम दायां एंड लेफ्ट को हम बायां कहते हैं। सो अब हम बताते हैं, इसके जो ऊपर है ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है पार्ट, इस पार्ट को हम स्याही कहते हैं, इसको हम स्याही कहते हैं। देन उसके बाद जो ये पार्ट है, इस पार्ट को मैदान कहते हैं, स्याही मैदान। एंड उसके बाद है किनार, इसको चाटी भी कहते हैं किनार को। ये स्याही हो गया, मैदान हो गया, उसके बाद किनार या चाटी। दोनों पार्ट्स दाएं तबले में और बाएं तबले में, दोनों में सेम पार्ट्स होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के पास, जो ये पार्ट है, जो ये पार्ट है, इस पार्ट को हम गजरा कहते हैं, गजरा। ठीक है जी, गजरा कहते हैं। गजरे के बाद हम आते हैं, जो ये पार्ट हमारा है, आपको मैं दिखा देता हूँ अच्छे से, इस पार्ट को हम बदरी कहते हैं। ये बदरी होती है, बदरी का काम क्या है, इसको टाइट रखता है, जो ये तबला है, तबले को ये टाइट रखता है, इसलिए ये बदरियाँ लगाई जाती हैं इसमें। उसके बाद है ये गट्टे, इसको हम गट्टे कहते हैं, ये ट्यूनिंग के लिए काम आते हैं। गट्टे होगी, बदरी होगी, ये गजरा हो गया, इसके बाद ये किनार या चाटी, मैदान, सिहाई। ये दोनों पार्ट्स, दोनों दाएं तबले में और बाएं तबले में, दोनों में सेम होते हैं, ये तबले के नीचे रखे जाते हैं। ये बिनू है, कई लोग अच्छी क्वालिटी के भी लेते हैं, कई जैसे भी लोगों को पसंद है वो अपने अपने तरीके से ले लेते हैं। तो ये स्टेबिलिटी बनाए रखता है बिनू, इसलिए बिनू के ऊपर ये तबला रखा जाता है, ताकि तबले की मूवमेंट ज़्यादा हो ना, वो तबला जहाँ हमने रखा है वहाँ ही रखा रहे और वहाँ से हिले ना। सो ये थे तबले के पार्ट्स जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाए हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये पार्ट्स ज़रूर समझ में आए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेसन जब भी मैं अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।